जय श्री कृष्ण भैया बेटा वॉइस चेक करना हाँ भाई लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डालो हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल दी एडिंग हल्का से यहां पे लिख देना ये कहानी 887 से स्टार्ट हुई थी अठारह से हार्ट साइंटिस्ट ने स्टार्ट की थी हालांकि ऑलवॉक्स ने भी एक्सप्लेन किया था और इसको एक्सप्लेन कब किया गया था अठासी में समझ में आ गया पहले हार्ड साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया था इसको इसके बाद में हॉलवॉक्स आया था तो 87 में तो किसने समझाया था हार्ड साइंटिस्ट ने और हॉलवॉक्स ने कब समझाया था 88 में क्या कहानी है फिर लगभग 1905 के अप्रोक्सीमेट इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक्सप्लेन किया था वो क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे एक्सप्लेन किया था उससे रिलेटेड बात करेंगे डालो एडिक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाँ, नोटबुक बंद कर दो और ध्यान अब बोर्ड पर होना चाहिए सुनो ये क्या है थ्योरिटिकल टॉपिक है तो थ्योरी को क्लास में ही याद करने की कोशिश करना ध्यान सुनो अब बेटा वाइब्रेट हो अब इधर देख ले इसमें क्या है सबसे पहला पॉइंट ध्यान सुनो अपन ने क्या बोला था डी ब्रोगली कहानी में डुवेल नेचर कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे थे अपन डुवेल नेचर लेकिन आपको एक बात समझाई थी कि कोई भी भाई आपने बोला था कोई भी पार्टिकल उस पार्टिकल की एसोसिएट वेव होती है कोई भी कण है और उस कण की क्या होती है सहायक तरंगिका होती है अब पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है या पार्टिकल नेचर शो कर रहा है ये डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पर याद करो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर आपको समझाया था फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था कि कोई भी आपके पास पदार्थ है तो उस पदार्थ में साहेब तरंगिका विद्वान होगी क्या होगी एसोसिएट वेव एग्जिस्ट करेगी यदि पार्टिकल है उसकी साइज स्मॉल है पार्टिकल की साइज क्या है स्मॉल मतलब माइक्रो पार्टिकल है और माइक्रो पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं क्वांटम पार्टिकल कौन से पार्टिकल यदि उसकी साइज स्मॉल है सूक्ष्म कोटी का कण है तो वहां पर साइज पर वेवलेंथ डोमिनेंट कर जाती है प्रभावी कौन हो जाती है तरंग धैर्य स्मॉल है तो वेवलेंथ डोमिनेंट कर जाती है और पार्टिकल वेव नेचर शो करता है कौन सी नेचर शो करता है तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है जबकि होती डुअल नेचर है जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है ये पार्टिकल है लेकिन इनकी साइज स्मॉल है जो ये माइक्रो पार्टिकल है क्वांटम पार्टिकल है तो यहां पर ये वेव नेचर शो करेंगे क्योंकि वेवलेंथ साइज पर क्या कर जाएगी डोमिनेंट कर जाएगी और जब साइज मैक्रो रीजन में होती है स्थूल कण होते हैं तो वहां पर वेवलेंथ स्मॉल हो जाती है तो साइज डोमिनेंट कर जाती है और जब पार्टिकल की साइज डोमिनेंट करती है तो अपन उस मैटर को उस सब को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं कौन सी नेचर से संपूर्ण कहानी में आपको क्या सुनाया कि डुअल नेचर कॉन्सेप्ट है ये बात हमारे समझ में आ रही है पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव्स होगी लेकिन फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए यूनिवर्स में कोई भी भौतिक घटना घटित हो रही है कोई भी इफेक्ट है कोई एक्सपेरिमेंट है उसे एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल नेचर का यूज किया जाता है या तो उसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है या उसको वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है या तो पार्टिकल नेचर तो, से या वेव नेचर से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो एक्सप्लेन किया गया है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया गया है किससे एक्सप्लेन किया गया है पार्टिकल ये ध्यान रख लेना प्रकाश विद्युत प्रभाव को कणीय प्रकृति के द्वारा समझाया गया है ठीक है है पार्टिकल नेचर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। अब ये कहानी है क्या इस कहानी को सुनो पहले ध्यान से क्या कहती है ये कहानी ये फिजिकल फिनोमिना क्या है आपके पास ये कोई मेटल है क्या है मेटल कोई धात्विक पृष्ठ है कोई मेटलिक सरफेस है अपन मेटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं पूरी कहानी का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो मेटल मेटल होता होता है क्या होता है है क्या कोई धातु भाई एटम की कहानी में आप क्या पढ़ते हो कि सर ये न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं है। ये ऑर्बिटल होते हैं यही तो कहानी पढ़ते हैं ऑर्बिटल में क्या एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन तो इन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर ध्यान सुनना इन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट चार्ज के कारण कूलाम फोर्स काम करता है अरे पूरी कहानी का मतलब है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मोशन कर रहा है कक्षा में गति कर रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन ऑर्बिटल में मोशन इसी कारण होती है कि वहां पे सेंट्री पिटल और सेंट्री फ्यूगल पढ़ाया अपन ने अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की कहानी सुन रखी है कहां से मिलती है ये कुलम फोर्स के द्वारा ही तो मिलता है अरे इसको अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है ये कहां से मिल रहा है ये फोर्स कहां से मिलता है कूलाम फोर्स है पूरी कहानी का मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटोन नाभिक में कौन होते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन तो क्या होता है न्यूट्रल प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है अच्छा नेगेटिव होता है तो यहां पे कूलाम फोर्स वर्क करेगा अब मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूं कि मेटल में क्या होता है जो ये बॉन्ड बन रहा है क्या होता है इसका मतलब सचिन में क्या कहना चाह रहा हूं कि आप यदि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो यह आसानी से टूट जाता है इतना कमजोर बॉन्ड होता है जैसे हम एनर्जी देंगे और यह क्या होगा मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाएगा समझ में नहीं आया जैसे अपनी टीम है और अपनी टीम में कई मेंबर है ठीक है अब एक दूसरा व्यक्ति है वो अपनी टीम के मेंबर लेना चाहता है मान लो अपनी टीम में दो चार मेंबर ऐसे हैं जो कैप्टन से दुखी हैं मैंने लाइन वडी बोल दी तुमने सुना ही नहीं किससे दुखी हैं दैट मींस उनका कैप्टन के साथ लूज बॉन्ड है दुखी का मतलब यह हल्का सा आके दूसरी पार्टी वाला दूसरी टीम वाला समझौता कर ले तुरंत भाग जाएंगे नहीं भाग जाएंगे वो हल्की सी एनर्जी दे दे तुरंत हो जाएंगे वही कहानी है इसीलिए मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है मेटलिक सरफेस अपन ने क्या बोला था तो मेटलिक सरफेस बोलने का मतलब है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन बॉन्ड है वो क्या है ल्यूज बॉन्ड है ये कहानी जो सुनाई है उसका सारांश है समझ में आ गया हा भाई <coughs> इधर देखो तो अपने पास ये कोई मेटलिक सरफेस है तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इन इलेक्ट्रॉन में लूज बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है लूज ढीला बंद है ठीक है अब अपन क्या करते हैं लाइट इंसिडेंट कराते हैं यहां पे प्रकाश प्रकाश आपतित कराते हैं अब जो आएगा अकॉर्डिंग टू प्लेंट थ्योरी मतलब हम कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्वांटम कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्वांटम थ्योरी यदि पढ़ रहे हैं क्वांटम से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहां पे अपन को प्लांट थ्योरी का यूज करना पड़ेगा क्योंकि क्वांटम का जो जन्मदाता है वो कौन है प्लैंक्स तो प्लैंक्स क्या कहता है कि जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी फोटॉन्स फॉर्म में आती है किस फॉर्म में आती है एनर्जी पैकेट की फॉर्म में आती है और वो पैकेट क्या होते हैं एनर्जी का क्वांटा होते हैं और उन एनर्जी के क्वांटा को क्या बोलते हैं हम फोटोन एनर्जी के क्वांटा को क्या बोलते हैं मतलब यहां पे जो लाइट आपने इंसिडेंट कराई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव आ रही हैं तो इनमें एनर्जी के क्या आ रहे है पैकेट आ रहे हैं और इन एनर्जी के पैकेट को हम एनर्जी का क्वांटा कहते हैं, हैं। है? है? है, है। है? तो एब्जॉर्ब करेगा क्या करेगा एब्जॉर्ब अवशोषित करेगा और जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सी स्टेट में आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और यहां से इमिशन करके भाग जाएगा इमिशन करके भाग जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है ये लाइट के कारण इमिट हो रहा है किसके कारण इमिट हो रहा है पेशेंस रखो कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है कहानी सुनते रहो प्रेम से फिर आराम से करीब तुम्हें तीन चार पेज की थ्योरी लिखाएंगे पहले सुनो और क्लास में याद हो जाएगी अपन ने क्या बोला कोई मेटलिक सरफेस है उस पर अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कराई लाइट इंसिडेंट कराई इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्व किया इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और मेटलिक सरफेस से क्या हो गया इमिट हो गया धातु प्रश्न क्या हो गया उत्सर्जित हो गया तो ये जो उत्सर्जित हो रहा है इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं क्यों ये फोटो 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 के कारण। फोटो मतलब लाइट। लाइट के कारण कारण मतलब लाइट लाइट अरे ही तो तो हुआ है तो इसे अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं और हमने पढ़ा है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग स्टेट में होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है जब कोई भी आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहां पे आपने क्या बोला है कि मैटलिक सरफेस पर एनर्जी ध्यान सुनना इमिटलिक सरफेस पर एनर्जी इंसिडेंट कराई तो यहां से कौन भागा इलेक्ट्रॉन दैट मीन इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में आया मूविंग स्टेट में तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूविंग स्टेट में आया तो इसके कारण क्या होगा सर्किट में करंट फिल होगा इस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश विद्युत धारा समझ में आ गया अपने पास सर्किट में करंट फ्लो हो गया किसके कारण फ्लो हो गया लाइट के कारण तो यूनिवर्स में जो ये फिजिकल फिनोमिना घटित हुआ है ब्रह्मांड में जो ये भौतिकीय घटना आपको प्रेक्षित हुई है इस भौतिकीय घटना को ही अपन क्या कहते हैं प्रकाश प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि हमारे पास कोई मेटलिक सरफेस है उस पर हमने लाइट इंसिडेंट कराई तो हम देखते हैं सर्किट में करंट का फ्लो हो जाता है किसके कारण लाइट के कारण जब आप मेटलिक सरफेस पर क्या कर रहे हो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो प्रकाश आपतित करा रहे हो तो प्रकाश के कारण क्या प्रवाहित हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है क्या प्रवाहित हो रही है तो इस भौतिकीय घटना को इस फिजिकल फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे बात समझ में अब सुनो अब इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स का यूज करेंगे और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे इमिट नहीं होगा आप इसको इमिट कराना चाह रहे हो ऐसे इमिट नहीं होगा कैसे इमिट होगा क्या कहानी है उसको सुनो अब आप ध्यान से कौन आ रहा है फोटोन आ रहा है तो इस फोटोन की फ्रिक्वेंसी होगी अकॉर्डिंग टू प्लंक्स फोटोन की एनर्जी क्या होती है सचिन ई बराबर एच न्यू तो ये न्यू क्या है फ्रिक्वेंसी है फोटोन की न्यू क्या है फोटोन की फ्रिक्वेंसी अब सुनो इंपॉर्टेंट बात यहां से आपकी कहानी क्या निकल के आई एनर्जी एच क्या है कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी दैट मींस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मतलब यदि फ्रीक्वेंसी में आप चेंज करोगे किसमें चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी में तो एनर्जी चेंज होगी ठीक है सर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को हम चेंज कैसे करेंगे मिनट आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो मतलब यहां पे आपने कोई लाइट सोर्स रख रखा है लाइट इंसिडेंट करा रहे हो प्रकाश मतलब कोई टॉर्च रख रखी है हम यदि आप बल्ब का कलर चेंज कर रहे हो क्या चेंज कर रहे हो हमने रेड कलर का लगा रखा है अब हमने ब्लू का लगा दिया अब हमने येलो का लगा दिया बल्ब अब हमने ग्रीन कलर का लगा दिया तो उस बल्ब की बेटा इधर देखना क्या चेंज हो रही है वहाँ पे जो आ रहे उन की क्या चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंटल में ये बोलना चाह रहा हूं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यदि मैं आपसे बोलता हूं फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज करो जो फोटोन आप इंसिडेंट करा रहे हो जो लाइट आ रही है वो लाइट किसकी फॉर्म में आ रही है फोटोन के रूप में अरे जो प्रकाश आ रहा है बल्ब से वो किसके रूप में आ रहा है फोटोन के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं इन फोटोन की ऊर्जा बढ़ाओ एनर्जी इंक्रीज करो तो एनर्जी इंक्रीज का मतलब है क्या इंक्रीज करना होगा एनर्जी डिपेंड किस पे करती है फ्रीक्वेंसी पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी होगी दैट मींस उस बल्ब का कलर चेंज करना होगा जब मैं तुमसे ऊर्जा बढ़ाने घटाने की बात करता हूं एनर्जी में चेंज की बात करता हूं या फ्रीक्वेंसी में चेंज की बात करता हूं दैट मीन जो बल्ब लग रहा है जो लाइट सोर्स लग रहा है उसका क्या चेंज करना होगा कलर समझ में आ गया ठीक है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और यदि मैं आपसे इन पॉइंट्स को सुनो क्योंकि अभी हम जब फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन बोलेंगे ना तो ये डेफिनेशन अभी सही नहीं है हमने क्या कहानी है ये मेटलिक सरफेस है ये हमने लाइट इंसिडेंट कराई यहां से इलेक्ट्रॉनिमिट होके चले गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया मतलब सर्किट में करंट का फ्लो हो गया हम कई बार ऐसा देखते हैं वही कहानी ये मेटलिक सरफेस है हम यहां पे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, लेकिन करंट का फ्लो नहीं हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा ऐसा क्यों मेरी बात को ध्यान सुनो ऐसा क्यों हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं प्रकाश आपतित करा रहे हैं लेकिन एक कंडीशन में तो करंट का फ्लो हो रहा है और दूसरी कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं हो रहा ऐसा क्यों तो इस कहानी को अल्बर्ट आइंस्टीन समझाएगा जो वहां कॉन्सेप्ट देगा किसका देगा कार्य फलन का। तो एक -एक सुनो अभी मैं एक शब्द से आपका परिचय करवा रहा हूं अभी उस शब्द को सुनो उसका नाम है थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या नाम है थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी दहेली आवृत्ति क्या नाम है हली आवृत्ति को बेटा अपन थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अंतक आवृत्ति कौन सी आवृत्ति हां अब सुनना ध्यान से अपन क्या बोल रहे हैं कि सर हम इस डेफिनेशन को ऐसे नहीं बोल सकते आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो डेफिनेशन बोल रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन बोल रहे हो आपने तो दो कंडीशन समझाई इनके अकॉर्डिंग तो बोल ही नहीं सकते भाई आपने क्या बोला कि हमारे पास मेटलिक सरफेस है उस पर हमने लाइट इंसिडेंट कराई तो एक कंडीशन में तो करंट का फ्लो हो गया एक में नहीं हुआ जबकि डेफिनेशन में तुम बोल रहे हो कि मेटलिक सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं धात्विक पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित कराते हैं तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है उत्सर्जन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है जिसे प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं और इस संपूर्ण कहानी को जो ये फिनोमिना है इसे हम क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेकिन इस कंडीशन में तो आपकी डेफिनेशन ने काम नहीं किया तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी उचित परिभाषा क्या है कि आप जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो आप जो प्रकाश आपतित करा रहे हो वो प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति से क्या बोला मैंने एक फिक्स फ्रिक्वेंसी से अधिक फ्रिक्वेंसी का आपतित कराना होगा एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का आपतित करना होगा उस कंडीशन में ही मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो डेफिनेशन अब हम ऐसे बोलेंगे जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का एक निश्चित आवृत्ति से तो उस निश्चित आवृत्ति को उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लेते हैं न्यू नॉट क्या मान लेते हैं तो अपन ने बोला जो लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हो किस फ्रिक्वेंसी की करा रहे हो न्यू फ्रिक्वेंसी की तो आपको ये लाइट न्यू फ्रिक्वेंसी की ये अधिक होनी चाहिए न्यू नोट से तो ही इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होगा तो ही इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होगा जो आप लाइट इंसिडेंट कर सर समझ में नहीं आ रहा दोबारा सुनो तो एक कहानी है अपनी क्लास में मान लेते हैं ये रूम है ये मैंने मैट्रिक सरफेस मान लिया समझना क्या मान लिया धात्विक पृष्ठ मान लिया और आपको मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया ये रूम क्या है मैट्रिक सरफेस और उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो मेरी बात को सुनो और बाहर से कोई व्यक्ति लड्डू लेके आ रहा है मोदक और ये नियम है पहले ही एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से इंट्रेक्शन करेगा रूल सुन लो तनिया भी नहीं सुना क्या नियम है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अन्योन क्रिया करेगा अरे कहानी का मतलब यह है एक लड्डू से एक विद्यार्थी ही अन्योन क्रिया करेगा दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही ठीक है आप क्या हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर से लड्डू आ रहे हैं कोई व्यक्ति आ रहा है आप पे लड्डू इंसिडेंट करा रहा है आपतीत करा रहा है मतलब फोटोन फोटोन समझ में आया फोटोन आ रहे हैं एक मिनट हमारे जो भ्राताश्री हैं आशीष जैसे ही लड्डू मिला खाया बैठा रहा वाइब्रेट भी नहीं हुआ कंपन भी नहीं किया गुड़िया है जैसे ही लड्डू आया खाया और तुरंत भाग गई फुल मेरी बात समझ में आई मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आया मेरे पॉइंट को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं लेकिन 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 वो इमिट क्यों नहीं हुआ आशीष भैया वो क्यों नहीं भागा क्योंकि उसे जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी नहीं मिली वो तभी भागेगा कि कम से कम उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो कम से कम उसकी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का तो इंसिडेंट कराओ अपने राजस्थान में एक जगह है, जिसका नाम है मेहंदीपुर राजस्थान में एक मंदिर है हनुमान जी का जिसका नाम है मेहंदीपुर जी तो वहां पे प्रसिद्ध है लड्डू उस जगह के और उन लड्डुओं की साइज लगभग लगभग मेरे अकॉर्डिंग उनका वेट लगभग आधा किलो होता है ये साइज में लड्डू होते हैं वहां ऐसे ही मिलते वहां खाए नहीं खाए कभी और एक राजस्थान में ही अपने जयपुर में जगह है मोती डोंगरी गणेश मंदिर है गणेश जी का मंदिर यहां पे मोती डोंगरी पे यहां पे लड्डू की साइज लगभग ये होती है तो हम यदि ऐसा बोल दें ओ और रात सुन ला मेहंदीपुर बालाजी के लड्डू इंसिडेंट करा रहे हैं तो राधे राधे फिर तो सभी भाग जाएंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई मेरी बात समझ में आ रही है ना रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से यदि अधिक है तो वहां से फोटोन इमिट होगा अदरवाइज फोटोन इमिट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली इस कंडीशन में दिखेगा यदि न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो क्या आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इमीटर सर्किट में करंट फ्लो कुल मिला के हम जैसे लाइट इंसिडेंट कराएंगे और अमीटर को देखते रहेंगे अमीटर मतलब जो करंट का मेजर करता है सर्किट में अमीटर क्या है जो परिपथ में धारा का मापन करता है हम लाइट चोर से लाइट डाल रहे हैं हम अमीटर को देखते रहेंगे उसमें जो सुई है उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा मतलब करंट का फ्लो नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट और जैसे ही हम मान लो पहले हमने कोई और कलर लगा रखा है और जैसे ही हमने कलर चेंज किया कलर चेंज करने का मतलब है न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट किया तुरंत वहां पे जो सुई है वो ऐसे डिफ्लेक्शन कर जाएगी मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो गया आ गया इलेक्ट्रॉन भाग गए यहां से समझ में आया नहीं आया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब डेफिनेशन देंगे तो उसमें एक लाइन और एड करेंगे कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर कोई मेटलिक सरफेस है उस पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का एक से मोर देन की लाइट इंसिडेंट कराई जाती है प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धात्विक धातु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है और यह है इमिटेड इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है फोटो इलेक्ट्रॉन और इसके कारण सर्किट में क्या हो जाता है करंट का फ्लो और यह करंट क्या कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यह फिजिकल फिनोमिना घटित यह भौतिकीय घटना ही आपकी हेडिंग कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब इसको अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो पहले हमने पढ़ी अभी डेफिनेशन यह ने परिभाषा पढ़ी है फिर इसके बारे में एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ेंगे किसका प्रायोगिक व्यवस्था क्या है नींद रही है तो देख। फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ेंगे प्रायोगिक व्यवस्था क्या है इसके बाद में एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पढ़ेंगे प्रायोगिक तथ्य क्या है फिर अपन पढ़ेंगे यहां पर फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स जो पुरानी फिजिक्स है वो एक्सप्लेन करने में असमर्थ कैसे रही फेल क्यों हो गई फिर पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम थ्योरी या अल्बर्ट आइंस्टीन सुन रहा है तू अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या ये अपन को पढ़ना ठीक है

मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है क्या करना होगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लाइट का कलर चेंज करना होगा समझ में आया दूसरी बात बेटा एक चीज और समझो इन चीजों को समझो एक वर्ड है इंटेंसिटी क्या वर्ड बोला मैंने लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता बता अरे जब पढ़ाते हैं मूर्ख बोर्ड पे देखा कर सुन लिया ये नोट्स तेरे पास घर पे भी रहते हैं आराम से घर पे बैठ के देख लिया कर यहां पढ़ाते हैं जब यहां होना चाहिए ध्यान पर समझ में नहीं आ रहा कहां से आएगा समझ में हाँ एक वर्ड होता है लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति नहीं तीव्रता हमें तीव्रता बढ़ानी है पहले तो ये समझो तीव्रता होती क्या है लाइट इंटेंसिटी क्या होती है अभी आप क्या बोल रहे थे सर ये मेट्रिक सरफेस है ये हमने लाइट इंसिडेंट कराई

प्रति सेकंड यदि फोटोनों को नोट कर लिया जाए किसको नंबर ऑफ फोटोन की बात कर रहा हूं मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम समय के सापेक्ष यदि मैं फोटोनों की संख्या को नोट कर लू किसको नोट कर लू जैसे मैंने देखे एक मिनट में यहां पे दस फोटोन आए इस मेटलिक सरफेस पर और यहां पर एक मिनट में पचास फोटोन आए यहां पर एक मिनट में कितने फोटोन इंसिडेंट हुए दस और यहां पर पचास तो प्रति सेकंड आप तथ फोटोनों की संख्या बात नहीं आ रही समझ में यार प्रति सेकंड पर सेकंड बात कर रहे हैं पर सेकंड जो नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी क्या बोलते हैं बात नहीं आई समझ में प्रति सेकंड आपतित तथित फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है इंटेंसिटी तीव्रता कहलाती है क्या कहलाती है

टॉन जा रहे हैं कौन जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाओ एक मिनट में दस जा रहे हैं तो उनको एक मिनट में बीस करो पच्चीस करो पचास करो वो कैसे बढ़ेंगे हम बेटा जो बल्ब लगा रखा है जो टॉर्च लगा रखी है उसकी पावर चेंज करनी होगी मतलब यदि हमने सो वॉट का लगा रखा है उसको डेढ़ सौ का करना होगा उसको ढाई सौ का करना होगा उसको तीन सौ का करना होगा तेरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यदि हम बल्ब या टॉर्च के वोट चेंज कर रहे हैं क्या चेंज कर रहे हैं क्या चेंज हो रही है इंटेंसिटी और यदि कलर चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी क्या चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी मेरी बात आ रही है समझ में अच्छा मैं अब आपसे क्या बोल रहा हूं यह एक मेटलिक सरफेस है ये एक मेटलिक सरफेस है ध्यान सुनना ध्यान सुनना यहां पे मैंने एक लाइट सोर्स लगा रखा है यह मैंने कोई लाइट सोर्स लगा रखा है यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है ये लाइट सोर्स मैंने पचास वॉट का लगा रखा है ठीक है ये लाइट सोर्स मैंने ढाई सौ का लगा रखा है कितने वॉट का लगा रखा है ढाई सौ का ठीक है बट न्यू लेस देन न्यू नॉट है बताओ कौन सी कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा सोचो समझो फिर जवाब दो पहले हमने एक लाइट uh, सोर्स लगाया वो पचास वॉट का लगाया मतलब मान लेते हैं एक मिनट में पचास फोटोन आ रहे हैं फिर हमने कहा यहां करंट का फ्लो नहीं हुआ किसका फ्लो नहीं हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ ठीक है फिर हमने यहां पे जो लगाया ये मान लो ढाई सौ वोट का लगा दिया मतलब एक मिनट में ढाई सौ आ रहे रहे फिर भी करंट का फ्लो नहीं हुआ बल्ब का हम वोट बढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में आप क्या हो नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है मोती डूंगरी गणेश जी के लड्डू आ रहे हैं कोई इंसिडेंट करा रहा है पहले उसने एक मिनट में पचास लड्डू इंसिडेंट कराए मैंने कहा फिर मैंने देखा गेट से एक ही बच्चा बाहर नहीं जा रहा मैंने कहा संख्या बढ़ाओ संख्या डेढ़ सौ करो ढाई सौ एक मिनट में पांच सौ करो मैंने फिर भी देखा एक ही बच्चा बाहर नहीं जा रहा बात समझ में आ रही है फिर मैंने कहा रुक एक मिनट में पचास ही इंसिडेंट कराएंगे लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के कराएंगे समझ में आया मेहंदीपुर बालाजी का मतलब है न्यू ग्रेटर देन है न्यू नॉट दैट मींस मैंने बल्ब का कलर चेंज कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो जैसे ही बालाजी के चाहे दस लड्डू आए तुरंत भाग गए इसका मतलब यहां से क्या चीज समझ में आ रही है आपके इलेक्ट्रॉन इमिट तभी होगा जब जब बेटा ध्यान सुनो आप जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्या बोलते हैं और उस थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं या तो न्यू नॉट से और कई टीचर न्यू टीएच लिख देते हैं थ्रेसोल्ड के कारण एक ही बात है बात समझ में आ रही नहीं आ रही यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ग्रेटर देन है न्यू नॉट से तो इसी कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा इसी कंडीशन में एक मिनट एक मिनट मुझे सोच समझ के बोलना सोच समझ के मुझे सर्किट में करंट बढ़ाना है क्या बढ़ाना है क्या काम करूं इंटेंसिटी बढ़ाऊं मुझे सर्किट में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाना है अब ये क्वेश्चन है ना सोच समझ के जवाब दो क्योंकि इन चीजों के तुम्हारे पास आंसर गए ना तो इतनी बढ़िया थ्योरी लिखोगे बिना रटे मजा आएगा हाँ भाई मैंने आपसे बोला परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बढ़ानी है विद्युत धारा बढ़ानी है एक मिनट आ रहा मारा मेरे धैर्य था धारण कर विद्युत धारा बढ़ानी है धारा क्या होती है हमने पढ़ाए गुरु करंट का फार्मूला होता आई बराबर क्यू अपॉन टी पढ़ाए नहीं पढ़ा पढ़ाए और क्यू होता है एनी अकॉर्डिंग टू चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल अरे क्यू बराबर एन ये तो में पढ़ लेते हैं हमा? तो आई बराबर क्या आ गया एन ई अपी आई का मतलब क्या है करंट एन क्या है, थे थे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज बात एक ही है हां इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यदि हम एन को बढ़ाते हैं तो आई बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते हैं तो तेरा समझ में आ रहा है यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा मतलब आपके पास जो मेटलिक सरफेस है इस मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं यदि आप इसके नंबर में इनक्रीज करो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं यदि इसका नंबर बड़ा हो जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं फिर हमने 50 इलेक्ट्रॉन इमिट कराए फिर हमने 100 इलेक्ट्रॉन इमिट कराए क्या बढ़ेगा करंट बढ़ेगा क्या बढ़ेगा तो करंट कब बढ़ेगा नंबर ऑफ इमिट इलेक्ट्रॉन नम्... जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें इंक्रीजमेंट करें जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनमें क्या करें इंक्रीजमेंट अब वो इंक्रीज कैसे होंगे एक मिनट क्या बेटी फोटोन बढ़ा दो बढ़ा रहे हैं फोटोन ध्यान से सुन ये मैंने फोटोन बढ़ाने का मतलब है आप कह रहे हो वॉट चेंज कर दो फोटोन बढ़ा दो फोटोन का मतलब इंटेंसिटी फोटोन का मतलब क्या है इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब जो बल्ब लग रहा है उसका वोट चेंज कर दो सौ वोट का लग रहा है तो कितने वोट का लगा दो ढाई सौ वोट का तो ज्यादा आएंगे मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं बेटा वोट बढ़ा दिया फिर भी करंट नहीं फ्लो हो रहा लेकिन एक कंडीशन यही तो बोलना था प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है बात सुनो फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड ऑन लाइट इंटेंसिटी बट न्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए मतलब आप जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो जो प्रकाश आपतित करा रहे हो उसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन होनी चाहिए मतलब आप यहां पे जो लड्डू आपतित करा रहे हो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि स्टूडेंट तुरंत फुल हो जाना अधिक का चलेगा कम का नहीं चलेगा अभी तो भागेगा वो खड़ा हो गया जब फुल हो गया तो मेरी बात समझ तेरे नहीं आ रही यार वाले भैया के आ, आ रही है क्लियर है तुम तो आपसे यदि पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत धारा बढ़ानी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करना है तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लेकिन उसके लिए कंडीशन न्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए न्यू नॉट होना चाहिए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही ठीक है अब सुनो बेटा क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है क्या कहती है क्वांटम फिजिक्स कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स सरफेस है अभी मैं तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केवल डिक्शनरी पढ़ा रहा हूं इफेक्ट नहीं पढ़ा रहा इसे पढ़ने के लिए कौन-कौन से शब्दों की आवश्यकता होगी उन शब्दों को पढ़ा रहा हूं फिर अपन स्टार्ट करेंगे पहले शब्दों को सुनो फिर पढ़ने में मजा भी आएगा अपन क्या कह रहे हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स सरफेस है ये एक धात्विक पृष्ठ है इस मैटलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन पर है यह इलेक्ट्रॉन ठीक है जान सुनना अब क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है क्लासिकल का मतलब पुरानी फिजिक्स ओल्ड फिजिक्स साक्षी नहीं है आज? क्यों माइक बंद कर रहा हूं एक मिनट ऑफलाइन वाले बच्चों से बात करने के लिए साइड में जाके बात कर रहा हूं ऑफलाइन वाले बच्चों से टेंशन मत आना भाई क्या बता रहे थे हाँ सुनो भाई ऑनलाइन वालों क्या बता रहे थे हाँ क्लासिकल फिजिक्स की कुछ कहानी बता रहे थे ओल्ड फिजिक्स क्या कहती है पुरानी फिजिक्स क्या कहती है ध्यान सुनना कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है ध्यान सुनो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं ये आप एनर्जी इमिट करा रहे हो ध्यान सुनना इंसिडेंट करा रहे हो सॉरी आप यहां पे एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो ये एनर्जी आ रही है एम वेव आ रही है ठीक है क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि जो ये एनर्जी आ रही है ना इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन पहले एब्सॉर्व करेगा क्या करेगा एब्जॉर्व करेगा और जब वो एब्जॉर्व करेगा उसमें टाइम लगेगा अरे एब्जॉर्व करेगा उसमें क्या लगेगा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में टाइम लगेगा कौन से प्रोसेस में आपने जो लाइट इंसिडेंट कराई है प्रकाश आपतित कराया है आप सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको एब्जॉर्व करेगा और इसके बाद क्या होगा इमिट होगा उत्सर्जित होगा तो इस प्रोसेस में क्या लगेगा टाइम लगेगा हमने कहा भाई टाइम क्यों लगेगा क्लासिकल फिजिक्स कह रही है टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एनर्जी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन चेट सम्मत क्या कह रही है कि जो ऊर्जा है ना वो सतत फलन है क्या फलन है सतत सतत फलन का मतलब लड्डू नहीं आ रहे तो सुन ही नहीं रहा रबड़ी आ रही है क्या आ रही है अब आशीष यदि रबड़ी आ रही है तो पहले रबड़ी को खींचेगा और कब तक खींचेगा मेरी बात नहीं आ रही समझ में कब तक खींचेगा जब तक टैंक फुल नहीं हो जाता मेरी बात सुनो इसमें क्या लगेगा प्रोसेस में टाइम जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है रबड़ी नहीं आ रही एनर्जी डिस्क्रिट है एनर्जी क्वांटाइज है एनर्जी है डिस्क्रिट है विविक्त है अर्थात एनर्जी फोटोन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है किसकी फॉर्म में नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन लड्डू आ रहे हैं समझ में आ रही है अब और फिक्स है एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही इंट्रेक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी प्लैंक के अनुसार एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही अन्योनिक्रिया करेगा तो जैसे ही फोटोन आया इलेक्ट्रॉन इंट्रेक्ट हुआ तुरंत तो भाग जाएगा तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि करंट फ्लो होने में टाइम लगेगा जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है करंट फ्लो होने में टाइम नहीं लगेगा तो इसके कारण क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई क्योंकि एक्सपेरिमेंट में देखा गया अब दोनों ने बोल दी बात अब कौन सी बात मान्य होगी जो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व होगी अरे यार तो सुन ही नहीं रहा कौन सी बात वैलिड होगी जो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व होगी प्रयोग में दिखेगी प्रयोग में देखा कि जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो करंट फ्लो होने में टाइम नहीं लगता इसका मतलब क्वांटम का स्टेटमेंट वैलिड है तो टाइम लैग प्रॉपर्टी क्लासिकल के अकॉर्डिंग होती है जबकि क्वांटम के अकॉर्डिंग दैट मींस क्वांटम कहती है टॉ इक्वल टू जीरो पे टाइम है टाइम ठीक है और क्लासिकल कहती है टॉ नॉट इक्वल टू और टॉ क्या है इंट्रेक्शन टाइम बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मध्य अन्योन क्रिया का समय है किसका समय है और पेपर में क्वेश्चन आए प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर चिटसम्मत भौतिकी की असफलता को समझाइए एक्सप्लेन फेलियर रीजन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स बाय यूजिंग इफेक्ट तो सीधी सी बात है हम समझा सकते हैं चिटसम भौतिकी की अवधारणा के अनुसार ऊर्जा क्या होता है सतत फलन होता है एनर्जी क्या होती है कंटिन्यूस फंक्शन होती है जब मेटलिक सरफेस पर एनर्जी इंसिडेंट कराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी की इंट्रेक्शन के बिटवीन क्या लगता है टाइम दैट मींस टाइम लैग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है समय पश्चिता का गुणधर्म समय का गुणधर्म विद्यमान होता है जबकि क्वांटम भौतिकी के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्वान्ट मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की इंट्रेक्शन के बिटवीन टाइम नहीं लगता दैट मीन्स टॉ इजक्वल टू जीरो सारांश के रूप में इन समरीफॉर्म एक्सपेरिमेंटल यह ऑब्जर्व किया गया प्रयोग के द्वारा यह तथ्य प्रेक्षित किया गया कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के इंट्रेक्शन के बिटवीन टाइम नहीं लगता है इसका मतलब कौन सी से फिजिक्स सेटिस्फाई हुई क्वांटम तो क्लासिकल क्या हो गई फिर एक कारण तो ये रहा ठीक है दूसरा कारण बेटा क्लासिकल फिजिक्स कहती है क्या कहती है क्लासिकल फिजिक्स आपको यदि एनर्जी इंक्रीज करनी है क्या इंक्रीज करनी है एनर्जी आप जो फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो क्या इंसिडेंट करा रहे हो जो आपतित करा रहे हो उन फोटोन तो की यदि आपको ऊर्जा बढ़ानी है तेरे समझ में आ रहा है किसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं फोटोन की तो क्लासिकल क्लासिकल जो फिजिक्स है वो कहती है लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दो ना क्या बढ़ा दो दैट मीन्स क्लासिकल फिजिक्स को यही नहीं पता इंटेंसिटी होती क्या है तुम सुने ही नहीं, नहीं सुने तुम क्या बोला क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है यदि आपको फोटोन की एनर्जी इंक्रीज करनी है किसकी एनर्जी तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ क्या एनर्जी करने के लिए इंटेंसिटी बढ़ानी होगी इंटेंसिटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा इंटेंसिटी तो क्या है नंबर ऑफ फोटोन तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं तो प्रभाव पड़ रहा है नहीं यदि एनर्जी बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी क्या चेंज करनी होगी तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है एनर्जी डिपेंड ऑन लाइट इंटेंसिटी बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी समझ में आया जो ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है क्वांटम भौतिकी के तथ्य के अनुसार जबकि चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है तो ये भी तो फेल होने का एक क्या हो गया कारण समझ में आ गया तो ऐसे करके और भी प्रो बता सकते हो तो ऐसे तुम कई रीजन लिख सकते हो ठीक है अपन को एक लिख के आना है पेपर में एक लिखना है कोई चावी तो मैं तुमको जब लिखवाऊंगा तो लगभग दो या तीन रीजन लिखवा दूंगा ठीक है चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट अब सुनना ध्यान सुनना इस पॉइंट को अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहता है उस बात को सुनो फोटो इलेक्ट्रिक अप के बारे में ये बातें काम आएंगी जब मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तब एक ही चीज को दोबारा समझाऊंगा लेकिन ये वर्ड्स है ना जो काम आ रहे हैं उन वर्ड्स को बता रहा हूं मैं पहले जान सुनना ये मेटलिक सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन से इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स इनके बिटवीन बॉन्ड है वो लूज है ढीला बंद है बात समझ में आ रही है अब अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप ये कह रहे हो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है कौन से इलेक्ट्रॉन है मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रश्न भाग क्यों नहीं रहे मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं आप बोल रहे हो कि मेटलिक सरफेस है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो भाग क्यों नहीं रही है है? ना के नहीं आया ना ये प्रभाव है हाँ ये इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि जो सरफेस का पोटेंशियल है सरफेस का जो पृष्ठ का विभव है अर्थात यहां पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब एक मिनट समझने की कोशिश करना नेगेटिव पॉजिटिव आयन बनेंगे अरे आयन बनेंगे आयन तो जानते हो आयन क्या होते हैं बार हाँ, मेरे ज्ञानी बेटाओ बारवीं क्लास पढ़ी लेटिस नाम सुना जालक नाम सुना जालक अच्छा अच्छा ये एक लैटिस है कोई जालक है क्या है कोई जालक मिला के प्रेजेंट हैं किसी मेटल में ठीक है अब एक मिनट जैसे ही हम इसको हल्की सी एनर्जी देंगे ये वाइब्रेट होंगे नहीं होंगे वाइब्रेट होंगे अच्छा मतलब गति करेंगे जब ये वाइब्रेट होंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव एक मिनट जब यहां से जाएगा चना देखा है चना देखा है चना चना होता है चना तो चने को तुम ध्यान से देखना <laughs> उसमें एक बीज होता है अंदर और उसके ऊपर एक कवर होता है ब्लैक ब्लैक सा देखा है क्या हाँ देखा है चने में बाहर कवर नहीं होता कवर पतला सा कवर होता है चने के ऊपर देखा है और अंदर क्या होता है उसमें बीज तो समझो ना कहानी को वो बीज है वो तो इलेक्ट्रॉन है वो बीज है वो तो और जो ऊपर कवर है पतला सा जो पतला सा क्या है कवर वो होल होता है क्या हो कहते हैं उसे होल कहते हैं यदि बीज बाहर आ जाए तो वहां पे केवल स्पेस रह गया नहीं रह गया स्पेस का मतलब एक रिक्ति बन गई एमपिटी बन गई अर्थात कवर रह गया ठीक है यह नेगेटिव बाहर आया यदि कोई भी मैटर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है डोनेट करता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव पॉजिटिव तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव तो ये एक एमपिटी या रिक्तिया है नहीं अरे होल है नहीं तो जो कवर है वो तो होल है और ये इलेक्ट्रॉन है समझ में आया तो यही कहानी तो आपको समझा रहा हूं यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह को छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा जगह को छोड़ के जाएगा तो यहां पे रिक्ति बनेगी नहीं बनेगी रिक्ति बनेगी यहां पे पर उसमें कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर यही तो आयन होते हैं ये क्या होते हैं आयन अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव आपकी कहानी का मतलब चार्ज के बिटवीन फोर्स लगता है कोई चार्ज के बिटवीन कोई फोर्स लगता है क्या लगता है चार्ज के बिटवीन कौन सा फोर्स लगता है, अरे नहीं पड़े के करता है. तो यहां तो ये, ये नेगेटिव तो इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब ये जो गति करके बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको रोक रहा है नहीं रोक रहा ही हम बोलते हैं बैरियर क्या बोलते हैं बैरियर रोधी का पोटेंशियल बैरियर तो सरफेस का जो पोटेंशियल है वो इसको बाहर नहीं जाने देता है नहीं नहीं हमको तो बाहर ही भेजना है तो एक्सटर्नल एनर्जी इतनी दे दो कि ये बैरियर को क्या कर जाए तोड़ जाए बैरियर को तोड़ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आए इस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन कार्य फलन तो कार्य फलन क्या होती है अरे कार्य तो ऊर्जा होगी वर्क क्या होता है वर्क कीजिए फॉर्म ऑफ एनर्जी मैकेनिक्स क्या कहती है कार्य होता है वो एक ऊर्जा का ही रूप होता है मुझे एक बात बता एनर्जी ध्यान सुन मैं जो बोल रहा हूं एक तो ऊर्जा एक कार्य एक शक्ति एनर्जी मेरी बात सुनो वर्क और पावर तीनों में डिफरेंस बता। सचिन बता क्या है एनर्जी पावर और वर्क ये तो क्या होती है इंट्रू देगा तू जेस्ट में बढ़िया बढ़िया रिसर्च सेंटर में और जाएगा इंट्रू देने अनुष्का और मैं यदि रिसर्च सेंटर में तेरा इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं तुझसे बोलूंगा भाग जा तुरंत प्रभाव से गेट आउट हो तुरंत दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा अब सोचो सिक्स नाइनटी एट बड़ी बड़ी परसेंटेज बना के बैठे हैं और राधे राधे सामने वाले को सेटिस्फाई कर पार्शियल फॉर्म में सही है सही है पर पार्शियल फॉर्म में मजा नहीं आया कौशल तू दस लोगों को पीट सकता है कितने लोगों को यह एक सिस्टम है और यह दस लोगों को पीट सकता है एनर्जी मुझ में इतनी ऊर्जा है इतनी क्षमता इतनी कैपेसिटी है कि मैं दस लोगों को पीट सकता हूं एनर्जी मैंने पांच लोग पीट दिए वह एनर्जी जो सिस्टम से सेपरेट हो गई दैट इज कॉल्ड वर्क मैंने कितने लोग पीट दिए तो मेरे सिस्टम से एनर्जी अलग हुई नहीं हुई जब मैं पांच लोगों को पीटूंगा तो काम करूंगा नहीं करूंगा तो वह एनर्जी जो सिस्टम से सेपरेट हो गई वर्क और जो सेपरेट सिस्टम से हो रही है उस एनर्जी को तुम विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोट कर लो दैट इज कॉल्ड पावर तेरे नहीं आया समझ में तू दस लोगों को पीट सकता है एनर्जी तूने तीन लोग पीट दिए क्या तूने तीन लोग पीट दिए तो तीन लोगों को पीटने में एनर्जी सिस्टम से सेपरेट हुई तो वह एनर्जी जो सिस्टम से सेपरेट हो गई पृथक हो गई अलग हो गई वर्क एक मिनट तूने तीन लोग पीटे और सामने वाले ने एक मिनट में पांच लोग पीटे और तूने एक मिनट में कितने लोग पीटे तीन में टाइम के रेस्पेक्ट में सिस्टम से सेपरेट एनर्जी को नोट कर रहा हूं किसकी पावर ज्यादा है जिसने पांच लोग पीटे नहीं आया समझ में यदि सिस्टम से सेपरेट एनर्जी को विद रेस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर लिया जाए तो वो क्या होती है पावर क्लियर ऐसे समझाना होता है सामने वाले को डिलीवरी पावर होनी चाहिए इंटरव्यू का मतलब होता है कि चीज तुम्हें आ रही है उसको एकदम क्लियर करो यहां चल रहे थे हम ये अपने पास मैटलिक सरफेस है इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन है मैटलिक सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाना है कहां तक लाना है पृष्ठ तक लाना है तो पृष्ठ तक लाने में तुम्हें यहां पे जो बैरियर है विरोध कर रहा है नहीं पहले आ जाता तो पृष्ठ तक तो पृष्ठ तक नहीं आया इसका मतलब यहां पे कोई बैरियर है तो उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा नहीं तोड़ना पड़ेगा उस बैरियर को उस रोधिका को उस अवरोध को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दोगे उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन क्या बोलते हैं समझ में आया तो कार्य फलन क्या है वह मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को कहां तक लेके आए सरफेस तक उसे हम क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन समझ में आ गया कार्य फलन कहते हैं अब तुम ध्यान से देखो ध्यान से देखो तो तुम्हारे समझ में आ गया मुझे ये बताओ एनर्जी का फार्मूला क्या होता है ई e बराबर अकॉर्डिंग टू प्लान एच न्यू ई बराबर और मेरे ज्ञानी बेटाओ मुझे एक बात बताओ <laughs> ये इलेक्ट्रॉन कब भागेगा जब न्यू ग्रेटर देन क्या हो एक मिनट जब न्यू ग्रेटर देन क्या हो एक मिनट तो ये मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम एनर्जी के लिए मैं क्या लगा दू न्यू नोट तो ये कहलाता है तुम्हारा वर्क फंक्शन इमिट नहीं हो रहा सरफेस से इमिट सरफेस पे आ गया कहां पे आ गया सरफेस पर अब यदि इमिट होना है तो आपको न्यू नोट से अधिक एनर्जी देनी होगी तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहता है अब बात सुनना ध्यान से अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि आप, आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करा रहे हो क्या हाँ यदि उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है किससे अधिक है तो यह एनर्जी यह ऊर्जा दो रूपों में विभाजित होती है जो आपने यहां पे भाई ये एनर्जी आ रही है नहीं आ रही ईएम वेव आ रही है आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो प्रकाश आ रहा है तो इस प्रकाश की ऊर्जा दो भागों में विभाजित होती है एक भाग तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लेके आएगा एक भाग तो मतलब वर्क फंक्शन मतलब दूसरा भाग यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया अब ये इलेक्ट्रॉन भागेगा भागेगा तो इसके पास क्या होगी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब आपने जो एनर्जी इंसिडेंट कराई है E का मतलब एनर्जी इंसिडेंट वेव की आई एन का मतलब क्या है इंसिडेंट वेव की ये दो रूपों में खर्च होती है एक तो वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन का मतलब अरे समझाओ वर्क फंक्शन का मतलब बैरियर इधर देखो बैरियर को तोड़ के लिखा है ना सरफेस तक आने में प्रश्न तक आने में दूसरा e का मतलब एनर्जी का एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर तो आप यदि यहां पे जो ऊर्जा देंगे वो ऊर्जा दो भागों में खर्च होगी अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन एक तो इलेक्ट्रॉन को धात्विक प्रश्न पर लेकर आएगी और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को क्या देगी उस इलेक्ट्रॉन को क्या देगी अधिकतम ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेगी ये बात किसने बोली थी अलबर्ट तो अब यहां पर यह एक इक्वेशन बन गई नहीं बन गई इस इक्वेशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या नाम है इसका प्रकाश विद्युत समीकरण यह किसने दिया अल्बर्ट तो प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है तो की ऊर्जा सुन रही है छोरी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो फोटोन की कार्य फलन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के योग के तल्ला होती है बराबर होती है वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के एडिशन के इक्वल होती है सम के इक्वल होती है ये बात किसने बोली अल्बर्ट? तो ये तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आने वाले शब्द हैं इतना समझ में आ गया मतलब इतना तुमको बारहवीं में पढ़ना चाहिए था ये तुम्हारे पुराने पाप हैं ठीक है उनका ये हो गया प्राश्चित अब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिखो अब समझ में आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हेडिंग क्या डाल रखी है तो लिख प्रकाश विद्युत प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फॉलोइंग पॉइंट्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को निम्न बिंदुओं की सहायता से समझाया जाता है निम्न बिंदुओं की सहायता से समझाया जाता है भैया मुझे अकेडमिक हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा अकेडमिक का मतलब है बीएससी के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा कि सामने वाला नंबर दे ठीक है लिख दिया निम्न बिंदुओं की सहायता से समझाया जाता है तो वो बिंदु कौन कौन से हैं सुनो सबसे पहले लिखो डेफिनेशन परिभाषा मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं इन पॉइंटों को लिखते चलो डेफिनेशन परिभाषा सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है पॉइंट प्रकाश विद्युत प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख दिया थी पॉइंट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लिखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्ष क्या पढ़ेंगे प्रायोगिक निष्कर्ष बोल दो या प्रायोगिक तथ्य बोल दो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स और फोटो इलेक्ट्रिक क्या कंक्लूजन मिला कौन सा पॉइंट तीसरा एक्सप्लेनेशन बाई क्लासिकल फिजिक्स सम्मत भौतिकी के द्वारा व्याख्या, चिट सम्मत भौतिकी के द्वारा व्याख्या या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम बता है क्या है चिट सम्मत भौतिकी क्या हो जाएगी यहां पर फेल Fail. तो फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स भी बोल सकते हैं ठीक है बाद में लिखा देंगे चिट सम्मत भौतिकी के द्वारा व्याख्या नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम थ्योरी क्वांटम भौतिकी के द्वारा व्याख्या क्वांटम भौतिकी के द्वारा व्याख्या एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम थ्योरी तो सबसे पहले स्मॉल ए पॉइंट हेडिंग डालो अब आपको एक्सपेरिमेंट में ये टॉपिक पढ़ने हैं ठीक है स्मॉल ए पॉइंट हेडिंग डालो डेफिनेशन परिभाषा डाल दिया एडिंग डेफिनेशन बड़ी बात चलो तो ये नोट्स कल बनवा देंगे ठीक है कल मिलते हैं राधे राधे भैया